नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज तक एआई के खास शो एआई टू जी में। मैं सना आपको बताऊंगी एआई वर्ल्ड में हाल में क्या नया हुआ है और इन बदलावों में आपके लिए क्या खास है। सबसे पहले बात खेल की। एआई से अब मैच नतीजे की भविष्यवाणी भी की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जा रहा है। जब मैच का दूसरा दिन चल रहा है, इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एआई के जरिए नतीजे की भविष्यवाणी की गई है। कमाल की बात यह है कि इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और स्टार पेसर जोस हेजलवुड दिखाई दे रहे हैं। एआई के जरिए निकाली गई मैच की दिलचस्प रिपोर्ट पढ़ते हुए दोनों ऑस्ट्रेलिया की जीत की बात कहते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में अब भी लगभग 80 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों की पहचान को लेकर सामने आ रही चुनौती को देखते हुए भारतीय रेलवे अब इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली वेबसाइट और सिम कार्ड रेगुलेशन का इस्तेमाल कर रही है। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए एआई के साथ प्रयोग शुरू कर चुकी है। जोमैटो ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर भी ये तकनीक शुरू करने का फैसला किया है। कंपनी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महारत रखने वाले इंजीनियरों की भर्ती की तैयारी कर रही है। ये इंजीनियर कंपनी के लिए एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। जोमैटो ने एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड की भी नियुक्ति कर दी है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से होती प्रगति को देख रही है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम एआई सुरक्षा को लेकर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन को आयोजित करने जा रहा है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने 7 जून को इसकी घोषणा की। सुनक ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि ये तकनीक सुरक्षित और जिम्मेदारी से विकसित की जाए और इसी तरह अपनाई भी जाए। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में कभी कभी हम खराब सामान मिलने से परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने जा रहा है। ग्राहकों को सामान सही तरीके से मिल सके इसके लिए वो गोदामों में जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इससे साफ है कि अब खराब सामान ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाएगा और ऑर्डर व डिलीवरी की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए एआई बेस्ड छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। पिछले 3 महीनों से टाइगर रिजर्व में इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे 10 किलोमीटर के दायरे में हाथियों के रियल टाइम मूवमेंट का अलर्ट भेजा जा रहा है। आज एआई टू जी का सिलसिला यहीं तक। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बार एक नए शो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।